आपके टाइम पर तो मास्टर जी को खुश करके भी पास हो जाया करते थे। तो ये कैसे बता बे? वो हमारे भैया आठवीं तक कैसे ही पास हुए? लौंडे को 85% दे दीजिए, हम आपको और खुश कर देंगे। चलिए। तो तुम एक टीचर को रिश्वत दे रहे हो? लड्डू के लिए कोई लेडी टीचर होगी तो चलेगा क्या? लेकिन कहाँ मिलेगी? है ना आपके सामने। हदिया, आप लड्डू को पढ़ाएंगे? एक काम करते हैं, कुछ देर बाहर टाइम पास करते हैं, फिर अपनी लानत पर कुछ लपेट कर मुंह छुपाते छुपाते अपने अपने घर में घुस लेंगे। भरभूति जी, भरभूति जी, गुड मॉर्निंग। गुड 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 मॉर्निंग बाबा 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 भाभी जी। अदिया, भाभी पे इतने भौंका ही लगा रहे हैं। एक्चुअली कल हम आपका इतना इंतजार कर रहे थे कि आप आएंगे आएंगे लड्डू को पढ़ाने, आप आए ही नहीं। भाभी जी, मैंने वो लड्डू के पास होने का इंतजाम कर लिया है। भाभी जी सॉरी, झूठ बोल रहा हूँ। कहाँ इंतजाम किया है? बताऊंगा मैं, जरा एक मिनट नहालूं, मैं बस नहा के आता हूँ, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। हे भगवान, हमरे लड्डू को अच्छे नंबर से पास करा दो भगवान। ये इस साल बहुत मेहनत किए हैं। हाँ, ये हमरे आपसे रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट होता है बालिके। सही पकड़े हैं प्रभु। भालुआ, भालुआ, लड्डू, चुचू जी हमारा बच्चा, क्या तुम्हारा रिजल्ट आ गया का? रिजल्ट होता है भाभी माँ, सही पकड़े हैं। हमारा आज का मैथ्स का एग्जाम भी हो गया और टीचर ने हमें नंबर भी दे दिए। हतिया, क्या बात कर रहे हैं? हम क्लास में फर्स्ट आए हैं। हाँ, तुम फर्स्ट आ गए। सुना, ये फर्स्ट आ गए हैं, ये तो मेरा अंकल हो गया है। वो मिराकल होता है अंगूरी। सही पकड़े हैं। और ये मिराकल हमने किया, हमने, हमारी वजह से लड्डू पास हुआ। हाँ। सुबह ये मुंह और मसूर की दाल। मनमोहन तिवारी जी, आपको पास की स्पेलिंग भी आती है? इस लड्डू को हमने दिन रात मेहनत करके मैथ्स पढ़ाया है, ये पास हुआ है तो हमारी वजह से पास हुआ, पूछिए इससे। अरे छपरा यूनिवर्सिटी का मैथ स्टूडेंट जी, आपका पास शब्द से कभी पाला भी पड़ा है? आप ठहरे नल्ले। अरे हमने पास करवाया है। ऐसे बोलो जैसे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो। आप अपने कच्चे बनियान के धंधे का हिसाब किताब बराबर कर लें, उतने ही काफी है आपके लिए। इस लड्डू में हमने मेहनत की, दिन रात पढ़ाया है इसको हमने, मैथ पढ़ाया है, पूछे इससे। बोल बेटा, बोल बेटा, बोल बेटा, बोल बेटा, बोल। अरे नहीं अंकल। चुप, बदतमीज। भाभी जी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे एक सरप्राइज गिफ्ट देंगी, तो टाइम आ गया है, प्लीज। नहीं अंगूरी, कोई सरप्राइज गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, हमारी वजह से पास हुआ भाई। हाय दया, कोनो हमारी बात सुनेगा का? ना ही लड्डू के भैया इसको पास किए हैं, ना ही भरभूति जी इसको पास किए हैं। तो फिर कौन किए हैं? ये सारी मेहनत अनीता जी की है। अनीता? बिल्कुल नहीं, आपको मैं सच बताऊं, एक्चुअली लड्डू अंगूरी जी की वजह से पास हुआ है। ना ना अनीता जी, क्या बात कर रहे हैं, आपने लड्डू को पढ़ाया है इसलिए इतना अच्छा नंबर आया है। और आपने जो मेरा हर वक्त साथ दिया, आप अगर उसे रोज नए नए पकवान बनाकर नहीं खिलाती और उलझा कर नहीं लगती तो ये लड़का तो मुझसे कभी नहीं पढ़ता। भाभी जी, आपके सामने छपरा यूनिवर्सिटी और दरभंगा कॉलेज फेल। सही पकड़े हैं। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले में दर्दे दिल लिया करते हैं। हाय दया। भाभी जी, लोग इसलिए मोहब्बत करते हैं कि इसमें एक अलग मजा है, दिल में एक मीठी सी जलन होती है। आपके भी दिल में जलन होती है का? क्या बात है भाभी जी, आज मेरी बात को साफ साफ समझ भी गई और पूछ भी रही है। हम पूछ रहे हैं, आपके भी दिल में जलन होती है का? हाँ भाभी जी, बहुत जलन होती है, दिल तड़पता है, मचलता है, बेचैन होता है, बेकरार होता है, कभी कभी बदतमीज भी हो जाता।
हम समझ गए आपको क्या होता है। बताइए ना क्या समझी, आप बताइए ना, प्लीज बताइए ना क्या समझी। आपको एसटीडी हुआ है। एसटीडी? हाँ, वो खट्टा खट्टा डकार आता है। अभी जी, इट्स एसिडिटी। सही पकड़े है, कहा है ना, हमको भी होता था। फिर अम्मा जी हमको बताए कि सवेरे सवेरे बिना खाए ठंडा ठंडा दूध पी लो, तू चला जाएगा। हमरे चला गया, आप भी पी लो, चला जाएगा। अभी जी, ये जलन एसिडिटी की नहीं है। वो तो कौन सी जलन है? अभी जी, ये जलन किसी की जुस्तजू की है। जूस पीने से जाता है? जूस नहीं भाभी जी, इस जुस्तजू इसका एक पेन दर्द होता है, उस दर्द में बड़ा मजा होता है। हमको लगता है आपको बहुत बड़ा बीमारी है। हाँ भाभी जी, मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। हाँ दया, तो इलाज काहे नहीं करवाते? भाभी जी, इस बीमारी का कोई चारा घर ही नहीं मिलता। चारा खाने से ठीक होता है? ठीक है, आइए हम आपको चारा डालते हैं। भाभी जी, इस चारा घर मतलब डॉक्टर, डॉक्टर। प्रभुति जी, आप क्या बोलते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। भाभी जी, आपकी इसी अदा पे तो हम फिदा हैं। क्या बोले? आई मीन आपका फोन बज रहा है। हाँ, फोन हमरा। ये दे दीजिए मुझे, दे दीजिए। अम्मा जी, अम्मा जी, अपना मामा जी। जुग जुग जियो मेरी बच्ची। देखो, हम यहाँ से निकल रहे हैं, हैं? दो ही घंटा में पहुंच जाएंगे। तुम जो है बैल को स्टेशन लेने भेज देना, ठीक है? ठीक बा अम्मा जी, भेज देंगे। हाँ, और सुनो, इस बार हम आ रहे हैं तो खुशखबरी सुन के ही जाएंगे। कौन सी खुशखबरी अम्मा जी? अरे, अपने पोते की खुशखबरी है, और कौन सी? हाँ जी अम्मा जी, आप भी ना। अब हम रखते हैं, आइए जल्दी। जुक जुक जियो। ये हमारी अम्मा जी का फोन था, वो आ रही है ना। और कब तक रहेंगी? वो कह रही थी कि पोते की खुशखबरी सुनकर ही जाएगी। तोते की? नहीं, पोते की। उनका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, आप उनकी जो ख्वाहिश है ना, तोते मतलब पोते की, प्लीज पूरी मत करिएगा आप। वो का है? भाभी जी, एक बार बच्चा हो गया तो आपका सारा चार्म खत्म हो जाएगा। बाय गॉड, चार्म का होता है? एक्सप्लेन भाभी जी, आप कमजोर हो जाएंगी, आपका खाने का दिल नहीं करेगा, आपका बदन टूटेगा। आप सोचिए कि जैसे अब ऐसे आप बाहर आई हैं, रोमांटिक गाना गा रही हैं, उसके बाद आप सिर्फ लोरियां गाएंगी। एंड आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट मैं ये अलाउ नहीं करूंगा, कभी नहीं, नेवर। से नो, नेवर एवर एवर। ये गाना ही करेंगे। आओ अम्मा। अरे बैली, सामान तो ले। ले जाना भाई, पैसे बाद में। चलो अम्मा। अरे बैल, तू ज्यादा तंग तो नहीं करता हमारी बहुरिया को? अरे अम्मा, कहाँ परेशान करते हैं, तुम भी आओ। अच्छा, हम खुदा ही पूछ लेते हैं। दुल्हन, अरे ओ बहुरिया, देखा तो कान आया है। अम्मा जी आ गई। अम्मा जी, कैसे हो अम्मा जी? बना हमरे बिटिया, हमरे गले लग जा बिटिया। अरे गले मिल रही हो या गला घोट रही हो? क्या बोला रे? कुछ नहीं। अम्मा जी, कैसे रहा सब? बिटिया यहाँ बैठा हमरे पास थे। और बता बिटिया, हमरे जिगर की टुकड़ी। टुकड़ा तो सुना था, टुकड़ी क्या है? तू काहे बीच में बकर बकर कर रहा है? हा? खोके पे नहीं जाना है का? जा रहे ना। ए लड्डू, जा जा, बैठ बैठ। आजकल भैया खोके भी कम और इधर उधर टाइम पास बहुत ज्यादा करते रहते हैं। क्या बकवास कर रहा है? अरे आई का अम्मा, मार खा रही हो तो इतने दिन के बाद आई हो? अरे तो इतने दिन बाद आए हैं तो का गोद में लेके लुलुरिया है तुमको, हैं? जा खोके पे। जा रहे हैं। सुनो, लौटते बखत उज्जय प्रकाश हलवाई है ना, उसकी दुकान से 2 किलो रबड़ी बंधवा लेना।
ठीक है, जा रहे हैं। वाह रबड़ी, सुनो ये लड्डू भी खाएगा तो 100 ग्राम के लिए भी बंधवा लेना, समझे? ठीक है ले आएंगे। हाँ। जा रहे हैं। अरे जा रहे हो तो का एहसान कर रहे हो हमरे पे, हैं? चल भागे यहाँ से। कभी नहीं सुधरेगा ये बैल। ए लड्डू, ए बेटा इसे सामान ले जा अंदर रखो, हैं? शाबाश, संभाल के। आ बहुरी, आ बैठो। आओ सुना। का सुनाए अम्मा जी, आपकी शक्ल देखते ही हमरा जीरा खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम अपने अम्मा से मिले हैं। तो का हम तुम्हारी अम्मा नहीं है पगली? ऐसन बात नहीं है अम्मा जी। तो कैसन बात है, तुम ना हमको हॉट कर दी हो। हाँ और ना ही अम्मा जी, आप हॉट ना होइए, अगर आप हॉट हो गई तो हम भी हॉट हो जाएंगे। अच्छा वो जो गाँव में हमारी अम्मा है ना, वो हमारी जन्म देने वाली देव की अम्मा है और आप हमारी यशोदा अम्मा है। हाँ, तू हमारी नंदलाली है। और सुना अम्मा। अरे हमारी कहाँ सुनेगी, तू अपनी नहीं सुनाएगी का? हम कहाँ सुनाए अम्मा खुशखबरी। कौन सी खुशखबरी? अरे हमें पोते की खुशखबरी है का। हाय दया मुझे आप। हेलो, खाली शर्माती ही रहती है, है? वहाँ तुम्हारे ददिया ससुर हमारे सपने में रोज आते हैं और कहते हैं कि हम अंगूर की गोद में खेलेंगे। वो तुम्हारे ददिया ससुर इतने उतावले हो रहे हैं तुम्हारी गोद में खेलने के लिए, और तू हो कि खाली शर्माती है रहती है, है? अरे का हुआ, उकाई काहे ले रही है? अरे बौरिया संभल के, हम आते हैं। क्या हुआ बिटिया, सब ठीक है? हाँ अम्मा जी, वो थोड़ा जी मिचला गया था। आए जी मिचला गया था? अरे बहुरिया, आखिरकार तू अपने ददिया ससुर को इस दुनिया में ले ही आई है। कहाँ ले आए अम्मा जी, क्या हुआ? अरे बिटिया तू माँ बनने वाली है, हमारे ससुर यानी कि तुम्हारे दादाजी तुम्हारी गोद में खेलने आने वाले है। हाँ। अम्मा जी वो कहा है ना के... अरे कोई बहाना हम नहीं सुनने वाले हैं, हम सब समझ गए हैं, ये उनका इशारा है कि हम आ रहे हैं बिटिया, हम आ रहे हैं। या तू ले आते मैनु गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावे चुम चुमके, तू ले आते मैनु गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावे चुम चुमके, तू ले आते मैनु गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावे चुम चुमके। हम तो बासी चावल खा लिए थे इसलिए हमको उल्टी हो गया। अम्मा जी को लग रहा है कि हम माँ बनने वाले हैं। अम्मा जी कितनी खुश है, अगर हम उन्हें बता देंगे कि ऐसा कुछ ना ही है तो उनको बहुत बुरा लगेगा। अम्मा जी बहुत कमजोर दिल की हैं, हम क्या करें कुछ समझ में ना ही आ रहा है। अरे भाई कहाँ बना रहे हैं ये बंगले पप्पू बिल्डर्स? अच्छा तिलकधारी चौक पर। नहीं नहीं हमें जरूरत नहीं है, हम जहाँ रहते हैं वो जगह स्वर्ग है स्वर्ग, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद। एनीवे थैंक्स फॉर कॉलिंग। क्या हो रहा है, किससे बातें हो रही है? अरे यार वो पप्पू बिल्डर्स के ऑफिस से फोन आया। अच्छा वो क्या कह रहा था? कह रहा था सस्ते बंगले बना रहे हैं, खरीद लीजिए। स्टूपिड पप्पू, तुम्हारी भी अकल कभी कभी खास चढ़ने चली जाती है। अरे हो सकता है उसका ऑफर बहुत अच्छा हो, हो सकता है हमारा फायदा हो रहा हो उसमें। हम कब तक किराए के मकान में रहेंगे, हमें भी तो अपना घर खरीदना पड़ेगा ना एक दिन, और मैं सारी उम्र किराए के मकान में नहीं रहूंगी। ठीक है अनु, तुम शर्मा अंकल से बात करो, उनसे कहो कि हम मकान खरीद लेंगे अभी नहीं कुछ दिनों बाद। क्या? हाँ। देखो डार्लिंग, ये घर नहीं ये मंदिर है, और ये कॉलोनी नहीं ये तीर्थ स्थान है, यहाँ देवी रहते मतलब देवी देवता रहते हैं यू नो, और लोग मुझसे कहते हैं कि मैं अपनी दीदी का दुमछल्ला हूं। आई डोंट माइंड, तू जो कहती हो मैं करता हूं, लेकिन एक बात मेरी सुन लेना, आई स्वेयर टू गॉड अगर इस घर से जाएगी तो मेरी लाश जाएगी चार कांधों पर। ये क्या था?
अंगूरी अंगूरी अनुहिया का। अरे हमरा बेटा तुम लाडला। अरे अम्मा क्या कर रही हो, हमारी सांस रुक रही है। ओहो सांस तो तुम्हारी अब रुकेगी मन्नू। मन्नू अम्मा पहली बार तुम्हारे मुंह से मन्नू शब्द सुन रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर माजरा क्या है। ओहो सब कुछ तुम्हारा ही तक किया धरा है, पूछ रहा है कि माजरा क्या है। हमारा किया धरा, हमने ऐसा क्या कर दिया। अरे जिंदगी में पहली बार कोनो इंसान वाला काम किया है, बैल कहीं का है। इंसान वाला काम किया है, अरे ऐसा क्या कर दिया पता तो चले। अरे तूने हमको पोते की खुशी दी है, हमारा पोता आने वाला है। पोता कहाँ से आने वाला है, पेड़ से। पेड़ से कहाँ आएगा, पेट से आने वाला है, हमारी बहुरिया के पेट से। क्या बात कर रही हो अम्मा। उठो उठो। सच कह रही हो अम्मा। हम झूठ काहे बोलेंगे पगले, तुम्हारे दादाजी आने वाले हैं। हाँ नहीं नहीं दादी जी आएंगी। दादी जी काहे आएगी, वो तो बहुत ही हराफा औरत थी, हमरी उनके साथ बिल्कुल नहीं जमती थी। तुम्हारे दादाजी आएंगे। हाँ नहीं नहीं अम्मा दादी जी आएंगी। हम कह रहे हैं ना तुम्हारे दादाजी आएंगे बस। चलो ठीक है, आपकी भी रही और हमरी भी रही, भगवान करे जुड़वा आए। अरे जुड़वा कैसे आए, हमरी बहुरिया कोनो मशीन है जुड़वा आए। तुम्हारे दादाजी आएंगे बस, जाओ ये दूध दे दो बहुरिया को। ठीक है। अरे सुनो। हाँ। अरे पगले खाली हाथ जाओगे का, तुमको इतना बड़ा औहदा दिला रही है जिसके तुम बिल्कुल काबिल नहीं हो। हाँ। खाली हाथ नहीं जाते हैं। एक काम करो, लो कंगन दे दो, कहना कि तुम लेके आए हो। जा पगले जा। अंगूरी अंगूरी। अरे बैठी रहो बैठी रहो बैठी रहो, और जरा संभल के, अब तुम अकेली जान नहीं हो, अब तुम दो जान हो। हाय दया, अम्मा जी इनको भी बता दिए हैं। लड्डू के भैया। लड्डू के भैया नहीं, अब से तुम हमें भूरी के पापा बुलाओगी। भूरी के पापा। हाँ भूरी के पापा, बहुत सही पकड़ी हो। और हमारी जो बेटी होगी ना, उसका नाम हम हमारी दादी जी के नाम पर रखेंगे, भूरी। और अब से हम तुम्हें अंगूरी नहीं बल्कि भूरी की अम्मा कह के बुलाएंगे। लड्डू के भैया तो नामकरण भी कर लिए हैं, सत्यानाश। इतनी खुशी दी है कि आज हम पूरे कानपुर में रबड़ी बटवाएंगे। नहीं नहीं लड्डू के भैया, इसकी का जरूरत है। हाँ वैसे सही कह रही हो, इतना पैसा अगर रबड़ी बटवाने में खर्च कर देंगे तो फिर भूरी के भविष्य के लिए पैसा कहाँ से जुटाएंगे। हाय दया, लड्डू के भैया और अम्मा जी का सपने देख रहे हैं, हम कहा करें। अंगूरी हम चाहते हैं कि हमारी बेटी हो। अब बेटी का है, क्योंकि बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, जीवन भर माँ बाप का साथ निभाती है। बेटा तो बुढ़ापे में वृद्धाश्रम पहुंचा देगा, और अगर कहीं लड्डू जैसा हो गया तो बुढ़ापे में भी जासूसी करेगा। फिर ऐसे में हम अनीता भाभी का लेकिन अम्मा जी जो चाहती है कि बेटा हो, इसीलिए तो हम जुड़वा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी तो तुम्हें हमें भूरी देनी है। देखो अभी सबसे काम धाम सब बंद। वो का है? क्योंकि ऐसी हालात में काम करना ठीक नहीं होता, अब से सारे काम अम्मा करेगी। हालांकि वो खाने में बहुत ज्यादा मिर्च डालती है, लेकिन भूरी आने की खुशी में हम सुबह की जलन भी सह लेंगे। लड्डू के भैया कुछ ना कहो, कुछ ना सुनो, बस देखो। हाँ दिया, कंगन ऐसे थोड़ी दे देंगे, पहले हमें भूरी ला के दो तब देंगे। लड्डू के भैया हम कहाँ से लाए भूरी। तो अभी थोड़ी मांग रहे हैं, 9 महीने के बाद देना। लेकिन उससे पहले जरा एक बार हमें पुकारो, भूरी के पापा।
पूरी के पापा। बोलो पूरी की अम्मा। ये हमरे लिए लाए थे ना। ओहो, खुशी में भूले ही गए। चलो तैयारी करें। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, देखिए कौन आया है। कच्चे बनियान का जलील धंधा करने वाला एक गलीज इंसान आया है। कोई सलमान खान नहीं आया जो आप इतना शोर मचा रहे हैं। हेलो तिवारी जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आज हम बहुत खुश हैं इसलिए आपको माफ कर रहे हैं। अरे तिवारी जी नमस्ते। कैसे हैं, कैसे आना हुआ? बस भाभी जी, आज हम बहुत बहुत खुश हैं। अरे वाह, तो हमें भी बताइए खुशखबरी क्या है जी। अब ये खुशखबरी तो हमारी अम्मा अपने मुंह से सुनाएंगी। अरे वाह, अम्मा जी आई हैं। जी अम्मा, अम्मा। अरे चुप रहना, आ रहे हैं। आइए आइए अम्मा, आ रही है, आइए। भाभी जी, शी इज माई अम्मा। प्रणाम अम्मा जी। अम्मा, शी इज माई भाभी जी। तो ई है अनीता, हमार बैल की पड़ोसन।